ड्रीम में दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को स्केटिंग चलाना सिखाऊंगा। जो लोग बिगनर हैं, जो लोग अभी तक स्केटिंग चलाना नहीं जानते हैं, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो स्केटिंग में दो तरह की मैंने बताया था स्केटिंग, लाइन स्केट और क्या कहते हैं, एक स्केट होता है जिसके चार व्हील होते हैं। तो लाइन स्केट एकदम अचानक चलाना सीखेंगे तो उस पर आप गिर सकते हैं, चाहे आप उतनी अच्छी स्थिति से लर्न नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो नॉर्मल स्केट होता है उसको लेना पड़ेगा, पैर को फैला करके स्ट्रेच करना है ताकि आपके पैर की नसें पूरी खुल जाएं। यहाँ से ऐसे ये आपको 10 से 15 बार करना है ताकि जो भी हम लोग के हाथ पैर की जो भी नसें हैं वो खुल जाएं, ताकि नस ना खींच सके। ऐसे ही आपको ये प्रैक्टिस जरूर कर लें आप, क्योंकि बिना इस प्रैक्टिस के आप जो है कि स्केटिंग नहीं चला पाएंगे। दोनों हाथ को खड़ा करके आपको मैंने जिस तरह से मैंने स्केटिंग चलाना सीखा उस तरह से मैं आपको स्केटिंग चलाना सिखाऊंगा। तो बिना देर की अच्छी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना स्केट शूज पहन लिया है। फर्स्ट डे आप जब भी स्केटिंग करने निकलिए तो आप सबसे पहले आप घास का मैदान या पार्क फील्ड हो, जो भी आपको लगे वहाँ पर इस शूज को पहनने के बाद उस पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको स्टेप बाई स्टेप चलना है इस पर, इसको बस चलते रहना जैसे हम लोग नॉर्मली चलते हैं। और ये नी जो है थोड़ी सी मुड़ी रहेगी आगे की तरफ, ऐसे ही ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसी ध्यान रखिएगा कि जैसे कि हम लोग नॉर्मली हम लोग तो सीधा चलते नहीं है, ऐसे 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 नहीं चलना है आपको, आपको चलना है ये वी शेप में जैसे हम नॉर्मली चलते हैं, थोड़ा सा झुका हुआ बॉडी आगे की तरफ। इसी ध्यान रखना है कि जब भी पैर रखें बिल्कुल फ्लैट रखें, बिल्कुल एकदम एक बराबर, ये नहीं कि आगे पीछे, अगर आगे रखते हैं तो आगे की तरफ गिर जाएंगे, पीछे रखेंगे पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो मैक्सिमम हो सके आप झुक कर चलें और घुटने बैंड हों। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको प्रैक्टिसिंग करनी है, ऐसे ही कम से कम 6-7 दिन तक आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एकदम अचानक से आप जाएंगे रोड पे चाहे फर्श पे जहाँ आप चलाते हैं तो गिर सकते हैं आप। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, साथ में आप सेफ्टी गार्ड भी लगा लीजिएगा। मैंने तो नहीं लगाया क्योंकि चलाते चलाते आदत हो गई है, तो गार्ड हेलमेट बिल्कुल लगा लें। तो आपको ऐसे ही चलना है, ये चलने के बाद आपको सेकेंड स्टेप पे आपको होल्ड करना है, रुकना है। फिर शुरू में आपका बैलेंस नहीं बनेगा उतना ज़्यादा, लेकिन आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे बैलेंस बनता चला जाएगा। तो जब भी आप स्केटिंग करना शुरू करते के बाद ध्यान रखें कि थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह कर लिया करें, इसे कर लेने से आपकी जो है कि नसें खुल जाती हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। ये बिल्कुल पैर को बिल्कुल फ्लैट रखना है ताकि आप गिरे ना, ना आगे ना पीछे बल देना है।
अगर पीछे देते तो पीछे की तरफ गिर जाएंगे, आगे देते हैं तो आगे की तरफ गिर जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए और गार्ड जरूर पहले, क्योंकि मुझे चलाते चलाते आदत होगी इसलिए मैं उतना नहीं गिरता हूँ। एक बात जानिए कि स्केटिंग जो लोग भी चलाते हैं वो पक्का गिरेंगे ही गिरेंगे, उनको थोड़ी बहुत चोट लगेगी ही लगेगी, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। हल्की फुल्की चोट तो लगती ही है स्केटिंग चलाने में। खैर, आपको हार नहीं मानी है, वैसे ही चलते रहना है। देखिए चल रहे हैं तो हो सकता है कभी कभी पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपको ग्राउंड पे। जैसे मैं वहाँ घास पे चल रहा था बिल्कुल वैसे यहाँ भी मैं वी शेप में चल रहा हूँ, पैर को बिल्कुल फ्लैट रख करके। तो आप जब भी चलें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप वी शेप में ही चलें, क्योंकि वी शेप में ही आपको स्पीड मिलेगी और आपका बैलेंस बना रहेगा। पैर को बिल्कुल फ्लैट रखा करिएगा। आप मेरी वीडियो को अगर रेगुलर देखेंगे तो जैसे मैं स्केटिंग चला रहा हूँ बिल्कुल वैसे आप भी स्केटिंग चलाने लगेंगे बिल्कुल मेरी तरह, एकदम अचानक से स्पीड। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।